हेलो यार, तो आप लोग कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज मेरे पास है, यहाँ पर फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज़ किया था ब्लूटूथ, जो कि आज आ चुका है। वायरलेस ब्लूटूथ है यार, और मैंने इसको बस 239 रुपये में जो है ऑर्डर करा है। तो इसको फटाफट से करेंगे अभी ओपन एंड देखते हैं क्या क्या इसमें जो हमें मिलता है, कैसा कैसा मतलब सही होता है या नहीं, या फिर और लास्ट में ये भी मैं बताऊँगा कि आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड इसको करते हैं ओपन। अगर चैनल पर नया आता है जल्दी से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इसको करते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग। फटाफट से इसे चलिए हम लोग ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना होगा इधर से, बहुत ही अच्छे से पैक किया गया है। यहाँ पर फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है एंड ये डब्बा की तरह है, ठीक है। तो इसको भी फटाफट से हम लोग ऑन कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिल वगैरह यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखा गया इस्तेमाल कर लेकिन जैसे, ठीक है, इस तरह का कुछ लिखा गया है। आपको मैं जो इसके साथ लगा दूँगा, आप इसको बराबर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से इसको सबको साइड में रखते हैं एंड इसको निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो भाई इस तरह का आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, इन पोर्ट्स 12, ठीक है। कुछ इस तरह से है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाइट ग्रे ब्लू एंड ब्लैक में मिलता है। तो हमने तो इसको फ़िलहाल ब्लैक में ही ऑर्डर करा था, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो यहाँ पर इसको यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। इसका ये जो पैक है इसको हम लोग थोड़ा सा ब्लैक कलर का हमने ऑर्डर करा था, ये ब्लैक कलर ने हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। फिलहाल इसको हम लोग रख देते हैं। इस तरह का बहुत ही मस्त आया यार, एंड ये लगता है डिस्चार्ज है गाइस, आप लोग देख सकते हो, कुछ भी लाइट वगैरह ब्लिंग नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर इसको भी निकाल के देख लेते हैं, कोई भी लाइट वगैरह नहीं चला। फिलहाल इसको साइड में रखते हैं एंड अंदर देखते हैं क्या है। तो फिलहाल यहाँ पर एक डाटा केबल है एंड इसका ये कार्ड वगैरह है जो कि इसमें देख सकते हैं इसका, ठीक है। इसको हम लोग साइड में रखते हैं एंड डाटा केबल देख सकते हैं, क्वालिटी ठीक है। ये एप्पल की तरह का जो है डाटा केबल है, ठीक है, लाइटनिंग केबल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एप्पल का है। तो सर सब कुछ रखते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर रख लेते हैं साइड में एंड इसको देख सकते हैं यार, ये भी थोड़ा भी नहीं जो है ऑन नहीं हो रहा है, ठीक। अगर आप लोग देख ही सकते हो थोड़ा भी ऑन नहीं हो रहा, तो इसको चार्ज साइड डिस्चार्ज होगा है गाइस, तो उसको हम लोग 10 मिनट चार्ज करना पड़ेगा, ठीक। मेरे पास पावर बैंक भी है तो हम लोग इसका केबल को जो है लगा के चेक करते हैं, ये चार्ज वगैरह हो रहा है कि नहीं, डिस्चार्ज है मुझे लगता है, ठीक है। इसको हमने ओपन कर लिया है कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर हमने करंट भी कर दिया है एंड इस तरह लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया है, कोई भी जो है लाइट वगैरह नहीं चल रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लाइट जो है रेड रेड सा जल रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, देखा देखो ना, आप देख सकते हैं रेड रेड जल रहा है, ठीक है। मतलब ये चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज था, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है 5 मिनट चार्ज करने देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑन वगैरह हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो भाई लोग, इसको हमने आधे घंटे तक करीबन चार्ज कर दिया, क्योंकि यार आपने भी देखा, मैंने जब इसको मैंने अनबॉक्स किया तो इसकी बैटरी पूरी तरह से लुल थी। तो मैंने इसको चार्ज करा एंड इसकी बैटरी की बात करें तो इसको मैंने यूज़ भी करा था, करीबन एक दिन यूज़ करा, ठीक है। और इसकी बैटरी की बात करें तो भैया इसमें 2 से 3 घंटे आप बेफिक्र चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 घंटे चल जाएगा। उसके बाद आप दोबारा केस में डाल देना, उसके बाद कुछ ही समय बाद ये चार्ज हो जाएगा फिर से एंड फिर से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 2 से 3 घंटे आराम से चल जाता है। और इसकी मैं बात करूँ, इसकी जो है ये जो ओपन होता है इसके बहुत ही सही है। अगर मैं इसको बंद करके भी इस तरह करूँ तो अपने आप नहीं खुलता है एंड इसको एक हाथ से भी आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। और बात करें कि इसकी जो है चार्जिंग होता है तो यहाँ पर लाइट भी जलती है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यहाँ पर लाइट जलती है, ठीक है। तो ऐसे इसका केस जो है पता चलता है चार्ज हो रहा है, ठीक है। अगर आप ब्लूटूथ वगैरह भी निकालोगे तो इसमें देखिए यहाँ पर लाइट जलता है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर लाइट जलता है, इसको इसमें चलता है, ठीक है। और इसकी बात कर ले साउंड क्वालिटी तो यार ठीक ठाक है, 300 में बहुत ही बढ़िया इसका साउंड क्वालिटी भी है। इस ब्लूटूथ में जो है यहाँ पर आपको टच स्क्रीन भी दिया गया है, मतलब आप 2 बार टैप करोगे तो इसका गाना चेंज हो जाता है एंड इस तरह टैप करोगे करीबन 5 सेकेंड तो ये ऑफ हो जाता है, ठीक है।
इसका टच स्क्रीन भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट था एंड बहुत ही बढ़िया लगता था इसका टच स्क्रीन। ऐसे इस तरह टैप करोगे सॉन्ग बंद हो जाएगा एंड इस तरह टैप करोगे फिर से सॉन्ग जो है चालू हो जाएगा। तो टच स्क्रीन बहुत ही फास्ट है इसका, तो इसके टच स्क्रीन बहुत ही फास्ट है, इसके टच स्क्रीन में कोई वो है नहीं, टच यहाँ पे करोगे आप फटाफट से काम करें। तो ये आपके बजट में आता है यार, 300 में क्या ही आप लोगे, एकदम बढ़िया है ये एंड इसको आप बेफिक्र परचेज कर सकते हो। ये 2 से 3 घंटे आराम से चल जाता है, उसके बाद दोबारा केस में आप लगा दो फिर से ये फुल हो जाएगा फिर से चलेगा। 2 से 3 बार ये इसको बार बार भी चार्ज कर सकते हो इस केस से, ठीक है। ये केस बस आप फुल कर देना बस। और यार बहुत ही सही ब्लूटूथ है ये और एप्पल का कॉपी है, इसको आप अगर अपने जो है यहाँ पे लगाते हैं तो अभी देखिए काफ़ी बढ़िया दिखता है दोनों, मैं यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ, देखिए काफ़ी बढ़िया दिखता है, एकदम मस्त दिखता है यार। तो यही सही है कि बढ़िया दिखता है ये, ठीक है, तो ये काफ़ी सही है, तो बढ़िया भी स्टाइलिश भी दिखता है, तो ये आप बेफिक्र परचेस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो बहुत भी बढ़िया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कैसा लगा ये ब्लूटूथ वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, मेरा 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड ये ब्लूटूथ बहुत ही बढ़िया आप ले भी सकते हो और इसका नाम है इनपोर्ट्स 12, अब फ्लिपकार्ट या फिर शॉपसी पे सर्च करोगे तो भी वहाँ पर भी मिल जाएगा, आप बेफिक्र सर्च करके देख लेना एंड इसको भी आप परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।